एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और मैंने ये पूरा नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सभी को ध्यान रखने, बाकी पूरा नोटिफिकेशन पहले की तरीके का ही है, ठीक है। साथ ही आपको 4 से 5 दिन का वेट करना है। 4 से 5 दिन में जो भी गलतियां आपसे हो सकती हैं उन पर मैं वीडियो बना दूंगा, जिसको आप बार बार उन गलतियों को देख ले कि वो गलतियां बिल्कुल भी मत कर सको। 2015 में मेरे से गलती हुई थी, बाद में मेरे को पछताना पड़ा था, ये आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी, क्योंकि उन गलतियों को दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते। एसएससी आपको दोबारा से मौका नहीं देगी। हालांकि यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही आप इस वीडियो को पूरा देखेगा, एक भी स्टेप अगर आपने स्किप किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा देखेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जो भी 4 से 5 दिन में जो भी अपडेट रहेंगी वो यहाँ पे एक एक वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिससे आप अपडेट अगर यहाँ मिस करते हो तो वहां पर आपको अपडेट मिलती रहे। वहां पर आपको सारी चीजें जो भी आपको एग्जाम प्रिपरेशन से लेके आपका फाइनल सिलेक्शन तक, आपको ज्वाइनिंग तक, आपको सारी अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी। लिंक उसको आपको सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज, आपका 7 सितंबर को आपका करेक्शन विंडो ओपन होगी, जो कि आपका 11 बजे तक रहेगी। 20 अगस्त से आपका 5 सितंबर के बीच में टोटल 16 दिन के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। और नोटिफिकेशन 5 तारीख को 11 बजे तक रहेगा, 12 बजे तक नहीं रहेगा। दूसरा आपका एज रिकॉर्डिंग डेट से रिलेटेड है कि भैया 1 जनवरी 2022 से आपकी एज रिकॉर्डिंग डेट रखी जाएगी। ग्रेड सी में आपका 18 से 30 है और ग्रेड डी में आप सभी का 18 से 27 रखी गई है। लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड जो जितने भी स्टूडेंट जो ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या एक्स सर्विस मैन से, अगर वो एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि वहां पे यस जरूर आप मेंशन करो। अब इनमें क्या गलतियां आप सभी कर देते हो वो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक ओबीसी का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, और मेरी एज अभी 25 साल है और मैं पूरी तरीके से एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी एज उस क्राइटेरिया में 18 से 27 के बीच में है। अब मान लो मैं गलती से अगर एज रिलैक्सेशन क्लेम में अगर यस कर देता हूँ तो मेरा जो भी सिलेक्शन होगा वो मेरा ओबीसी की कैटेगरी में होगा। मैं जनरल की कट ऑफ भी पार कर लूंगा लेकिन मैं ओबीसी कैटेगरी से ही सिलेक्ट होऊंगा क्योंकि मैंने एज रिलैक्सेशन क्लेम में मैंने यस किया हुआ है। और आपको डीबी में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, हालांकि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन कई बार आप जनरल की सीट में आप सिलेक्ट होते हो तो ये प्रॉब्लम आप सभी को हो सकती है। अगर आप वहां पे अगर एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर रहे हो तो नो करो, कर रहे हो तो यस करो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट है जो करते हैं, मैं हर बार ये चीज देखता हूँ। दूसरी अपडेट आप सभी के लिए कि भैया जो भी डीवी अब कंडक्ट होगा गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिशन मोड में आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आप सभी का कराया जाएगा, जिससे डीवी अब एसएससी ना करके डिपार्टमेंट कराएगा। अब एसएससी जो डीवी कराती थी वो कई पैसे पॉइंट्स से जो छोड़ देती थी, जो आपको रिलैक्सेशन दे देती थी, बाद में आपका डिपार्टमेंट जो कराता था फिर बाद में वो अपनी तरफ से फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा लेता था। लेकिन अब अगर डिपार्टमेंट डायरेक्ट करा रहा है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर रखने हैं। जितने भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एक्स सर्विस हैं, जो भी आपके जो ओबीसी एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, आपको टाइम से जो नोटिफिकेशन के लास्ट डेट के पहले पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाद की जब आपका एक्सपायर भी हो तो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान से आप बिल्कुल ये चीज रखिएगा क्योंकि अगर डिपार्टमेंट कंडक्ट कराता है कोई भी सर्टिफिकेट आपका मिस पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अब ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि हर बार स्टूडेंट लगातार यही गलती दोहराते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो मैंने देखा, बाकी सब अभी ओल्ड आपका वही है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी वो यहाँ पे आपको एक एक वीडियो के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आप सभी को मिलती रहेंगी।